मैं बात करता हूँ सलीम भाई के मरहूम सलीम जकरीश नगीने वाले के कातिल कुमार सिंह का, जो आज जो है इस कोर्ट में पेशी है। तो मैं बात करता हूँ सलीम भाई के बड़े भाई, वो क्या कहना चाहते हैं अपने इंसाफ के लिए, भाई के इंसाफ के लिए। देखिए भाई, सलीम हमारे भाई थे, बहुत अच्छे, अल्लाह के रहमत से बड़ा मेहरबान आदमी थे, लोगों की मदद करने में आगे रहते थे। लेकिन उनको इस तरह बेदर्दी से मार दिया गया है, अब लोग पकड़े गए हैं मारने वाले। तो हम लोगों का यही गुजारिश है कि उन लोगों को फांसी नहीं तो उम्र कैद की सजा जरूर होनी चाहिए। इसलिए कि मुजरिम होता है, चाहे वो कम उम्र हो ज्यादा उम्र हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जान की कीमत होती है। तो इसलिए हम लोग का ये दिली तमन्ना है कि अल्लाह ताला उन लोगों को नापाज कर दे जिन्होंने हमारे भाई को मारा है, उनके साथ सामान को लूटा है। सलीम भाई के भाई, आपका नाम? हमारे नाम नबी हसन चुन्नू भाई है। नबी हसन साहब चुन्नू भाई हवला पिलखाना से, जो अपने भाई के कातिल के लिए फरियाद कर रहे हैं। तमाम देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे खड़े हैं फरियाद के लिए। अब कुछ ही दिन में जज आएंगे और असामी भी को भी पेश किया जाएगा। अब देखना यह है कि फैसला क्या होता है। आज जो बच्चा कोर्ट से यानी नाबालिग के लेके अंशु कुमार सिंह को यहाँ पेश किया जा रहा है, तो देखते हैं आज क्या फैसला होता है। और इसी फैसले के लिए सलीम भाई के घर वाले भी जो है विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ विरोध को लिए खड़े हैं कोर्ट के गेट के बाहर। मैं अब बात करा रहा हूँ असलम साहब से, ये है सलीम भाई के बड़े साले साहब। असलम भाई, क्या कहना है कि आज आप लोग जो यहाँ विरोध कर रहे हैं जुडिशियल कोर्ट के अंदर जो है नाबालिग अंशु कुमार सिंह को जो लाने वाले हैं या उसके मामला जो चलने वाले हैं, उसके मुतल्लिक जरा तफसील बताएं असलम साहब। देखिए, ये अंशु कुमार सिंह जो है, ये तो मतलब है ये चार कल्प्रिट्स, ये जो चार एक्यूज है उसमें एक ये भी है जी। अब रह गया ये कि इसके बारे में बात यह है कि ये जो है बिलो 18 साल से कम उम्र का, इसको जीविडल में डाल दिया गया जी। ठीक है, ये बात अपनी जगह पे है, लेकिन इसने जो क्राइम्स किया है ये कोई मामूली छोटा मोटा क्राइम्स नहीं है। एक बेगुनाह इंसान को, उसको जो है बिल्कुल बेदर्दी के साथ उसको कत्ल किया गया और उसमें ये शामिल था। तो इसको मतलब ये इसको अलग से ये करना और उसको किसी तरह की उसके साथ रियायत करना, ये मुनासिब नहीं होगा। और अभी रिसेंटली एक फैसला दिल्ली के मतलब उस हरियाणा स्कूल के मामले में आया है, जहाँ पे क्लास 11 का एक स्टूडेंट जो है क्लास 3 या 4 का बच्चे को जो कत्ल किया, तो उसके बारे में ये बात आया है कि उसको जो है एडल्ट के तौर पे देखा जाएगा और उसको उसी हिसाब से उसके बारे में फैसला दिया जाएगा। तो हम लोग इसके मामले इसी बात के हम लोग की डिमांड कर रहे हैं कि उसको भी सख्त से सख्त सजा मिले। ये मतलब कातिल को सजा मिलती है जिस तरह से कातिल को सजा मिलती है, और हम ये चाहते हैं कि उसको उम्र कैद और फांसी की सजा मिलना चाहिए कम से कम। तो ये अंशु कुमार सिंह को जो यहाँ का पेशी की जा रही है, इनके लिए क्या मांगा आपका? ये अंशु कुमार सिंह जो है, ये कोई अलग से इसके साथ कोई मामला नहीं किया जाए, बल्कि उसको उसी तरह से देखा जाए जिस तरह से और तीन कातिल जो है उसके साथ मामला किया जाए। अच्छा नहीं है। ये थे असलम भाई, ये मरहूम सलीम साहब के बड़े साले साहब।